तो और शिनोबिस कैसे हो? तो राजकुमार हम बात करना चाह रहे हैं हाउ बरुडो विल बिकम अ गॉड इन फ्यूचर, क्योंकि अब जो टाइम स्केप है वो बहुत ज्यादा ही नजदीक आ चुका है और अब स्टोरी कभी भी चेंज हो सकती है। तो आज हम कवर करेंगे बरुडो के करंट पावर्स के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, और उसे फ्यूचर में कौन कौन सी पावर्स एंड एबिलिटीज मिल सकती है और कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो वीडियो में आगे जाने से पहले बरुडो के बारे में कुछ जान लेते हैं। बोरुटो 50% ह्यूगा है और 25% उज़ुमाकी और 25% नामिकाज़े। मतलब कि बोरुटो के अंदर इन सारे क्लैंस के जीन्स है, जो कि एक बहुत शानदार बात है। और बोरुटो का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बोरुटो एक जीनियस भी है। मतलब कि नरुटो को जिस चीज़ को एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, वहीं पर बोरुटो उसे एक नेचुरली एक्वायर कर चुका है। किशिमोटो ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो बोरुटो को ब्याकुगान देने वाले, बट वो बोरुटो को ब्याकुगान देना भूल गए। हमने बोरुटो को उसको एकेडमिक डेज से ही एक प्रोडिजी की तरह देखा है। बोरुटो के एनिमे में हमने विंड स्टाइल, लाइटनिंग स्टाइल और वाटर स्टाइल इस्तेमाल करते हुए देखा है, जो कि उसे कैकेटोटा यूजर बनाती है। और बोरुटो ने विंड स्टाइल और लाइटनिंग स्टाइल को मिला के अपना खुद का एक अटैक डेवलप किया है, जिसका नाम है बोरुटो स्ट्रीम। और एक अटैक बोरुटो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, जी हाँ, रासिंगान। रासिंगान एक एस क्लास निंजुत्सु है जो कि मिनाटो नामिकाज़े ने डेवलप किया था। और रासिंगान को हमने मिनाटो, नरुटो, बरुटो, काशिन कोजी और कोनोहामरु को इस्तेमाल करते हुए देखा है। और एक बात नोट करने वाली है कि बरुटो रासिंगान को अपने एक हाथ से ही क्रिएट कर लेता है और बरुटो अभी सिर्फ 12 साल का है। और नरुटो को यही चीज मास्टर करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग और टाइम लगा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और बरुटो ने 3 न्यू वेरियंट्स निकाले हैं रासिंगान के, जो कि उसने खुद से क्रिएट करे हैं। पहला है राशिन शुरिकेन, जिसके अंदर विंड स्टाइल कंबाइन करता है रासिंगान के साथ। और दूसरा है वैनिशिंग रासिंगान, जिसमें बरुटो लाइटनिंग स्टाइल कंबाइन करता है रासिंगान के साथ। और रासिंगान के साथ लाइटनिंग स्टाइल कंबाइन करने में काकाशी तक फेल हो गया था। और जो थर्ड एंड लास्ट वन है वो है कंप्रेस्ड रासिंगान। कंप्रेस्ड रासिंगान का सीन ये है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है एक बिग रासिंगान के। इसमें बरुटो रासिंगान को एक छोटे से पॉइंट पे फोकस करता है और इससे इस रासिंगान की पावर 1000 गुना ज्यादा हो जाती है एक बड़े रासिंगान से। और जब शुचोजी और बरुटो की लड़ाई हो रही होती है, तब बरुटो ये कंप्रेस्ड रासिंगान यूज करता है। और काकाशी ने कहा था अगर शुचोजी अपनी आयरन शील्ड का इस्तेमाल नहीं करता तो वहीं पे खत्म हो जाता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये तो बात थी बरुटो के जूतसु के बारे में। और बरुटो के पास अभी भी उसे कार्मा सील है, जिसे वो स्पेस टाइम निंजुत्सु के यूज से एक पोर्टल क्रिएट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। और वो किसी भी चाक्रा बेस्ड निंजुत्सु को आराम से अब्सॉर्ब कर सकता है उसे कार्मा मास से। और जो कार्मा सील है वो बरुटो की फिजिकल स्ट्रेंथ को एक नेक्स्ट लेवल पे ही बढ़ा देती है। और अब आती है जोगान। जोगान एक बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस दोजुत्सु है और अभी तक हमें जोगान के बारे में सिर्फ 1% पता है। बरुटो उससे चाक्र पाथवे सिस्टम देख सकता है और वो कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है वो जगह भी देख सकता है, मतलब उसका वाइटल पॉइंट। और बरुटो ईवल चाक्रा भी सेंस कर सकता है जोगान के यूज से। और तो और बरुटो डिफरेंट डायमेंशन के थ्रू भी देख सकता है अपने जोगान के यूज से। और तो ने कहा था कि बरुटो इस आई के यूज से वर्ल्ड को सेव करेगा। मैंने एक फैन थ्योरी देखी थी एक वेबसाइट पे, जिसके अंदर बरुटो अपने जोगान के यूज से फ्यूचर देख सकता है। आपको क्या लगता है बरुटो की जोगान ये सब कर सकती है कि नहीं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये तो बात हो गई बरुटो के करंट पावर्स के बारे में, अब बात करते हैं बरुटो के फ्यूचर पावर्स के बारे में। बरुटो के फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कवाकी और बरुटो जब लड़ रहे होते हैं तो बरुटो के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है जो कि सास की यूज करता है। और वो ब्लेड इसी भी ब्लेड नहीं होती, वो होती है कूसना की ब्लेड, जो कि किसी भी चीज को आराम से काट सकती है और जो हार्ड टू ब्रेक होती है। और हमने एक एपिसोड में देखा था सास के बरुटो को चिदोरी सिखाने से मना कर देता है क्योंकि बरुटो के पास शारिंगान आयन नहीं होती है। बट सास के सेम एपिसोड में स्टेट करता है कि अगर बरुटो और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है तो वो अपना खुद का जूतू इन्वेंट कर लेगा, जो कि चिदोरी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि टाइम स्किप के बाद बरुटो अपने स्वॉर्ड के साथ कुछ ना कुछ लाइटनिंग स्टाइल को मिक्स करके एक जूतसू को क्रिएट करेगा ही करेगा। और बरुटो इन फ्यूचर दोनों सेज मोड को मास्टर भी कर सकता है, आई मीन स्नेक सेज मोड और टूट सेज मोड। बरुटो नरुटो का बेटा है तो नरुटो उससे सेज मोड जरूर सिखाएगा, जो कि होगा टूट सेज मोड। जब बरुटो अपनी टीम को लेके रियोचिकी में जाता है तो वहाँ पर व्हाइट स्नेक ने बरुटो से कहा था कि बरुटो की बॉडी स्नेक सेज मोड के लिए बहुत ज़्यादा ही केपेबल और बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बरुटो इन फ्यूचर दोनों सेज मोड्स को मास्टर कर लेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बरुटो विंड स्टाइल, लाइटनिंग स्टाइल और वाटर स्टाइल को इस्तेमाल कर सकता है, जो कि उसे कैकेटोटा यूजर बनाती है। सो शायद बरुटो इन फ्यूचर ओनी के पार्टिकल स्टाइल की तरह अपने तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर एक नए जूटसू को इन्वेंट करे। तो भाई ये तो बात होगी बरुटो को कौन कौन सी पावर मिल सकती है इन फ्यूचर। तो चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ बरुटो विल बिकम अ गॉड। अगर बरुटो इन फ्यूचर अपने कार्मा को कंट्रोल कर लेता है तो बरुटो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा। इट्स लाइक नरुटो एंड क्यूरामा।
बरूडो करंट मांगा चैप्टर में कार्मा सेपरेशन पिल्स खा रहा है जिससे वो कार्मा का एक्सट्रैक्शन स्लो कर सकता है, जिससे बरूडो को कार्मा सील को समझने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल चुका है। और क्या पता बरूडो इसी बीच मोमोशिके से अपनी भाई भाई वाली बात कर ले और कार्मा को अपने कंट्रोल में कर ले। और अगर बरूडो कार्मा को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो वो मोमोशिके की बहुत सी पावर्स को यूज कर सकता है जो कि बरूडो को बहुत ज्यादा ही डेडली बनाती हैं। बरूडो पास 100% कार्मा की पावर है, जोगान है और इतनी सारी एबिलिटीज होने के साथ तो सास्के और नारुतो को तो कब का सरपास कर चुका है और वो गॉड लेवल टीयर से भी ऊपर जा चुका है। और क्या पता बरूडो इन फ्यूचर ओत्सुकी की गॉड से भी फाइट करे। तो यार ये सब तो हमें टाइम स्किप के बाद ही पता चलेगा। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलता है तब तक के लिए।